बज गए हैं 6:30 हो गए और यहाँ पे ये मंदिर अभी खुले है और मंदिर का मैं मंदिर को मैं प्रणाम सूर्य गाते हुए मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। देखता हूँ सुबह सुबह घूमने का मजा ही कुछ और है और उसमें भी कोरोना के टाइम पे और भी बढ़िया है। अभी बहुत कम लोग मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो उठते हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और वो लोग अभी जो है टहलने को निकले हैं। मैं थोड़ा और भी पहले तैयार हो सकता था लेकिन मेरा मन कर रहा था जाऊं नहीं जाऊं बाहर। अभी इस टाइम में थोड़ा सा मैं लेट हो गया। कुछ लोग जग गए हैं उन्हें तो सुनसान रास्ता मिलता है। अभी भी खाली है पूरी दुकान बंद है यहाँ पे। और कोरोना काल में मैं आई थिंक सब फर्स्ट टाइम इतना मॉर्निंग मतलब बाहर निकला हूँ। कोरोना से पहले तो मैं निकला था, आज फर्स्ट टाइम इधर निकला। सोचा कि लेबर घूम आओ देखूँ कैसा है। सब घूमने लगे हैं, कई लोग तो गार्डन से घूम के आ भी गए। ये अंकल आंटी को देखो आप। मैं सोचा कि मैं भी एक बार आ करके देखूँ कहाँ क्या है, कैसे लोग अभी है घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं, ये चीज़ें मैं सोचा कि शूट करूँ। और सुबह सुबह आगे अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा रोड है पूरा और नज़ारा भी अच्छा है। हाँ, मैंने अपना मास्क उतार रखा है। मन कर रहा है हवाओं को अपने अंदर भर लूं। कई लोग अभी जॉब पे भी ड्यूटी पे भी जाते हैं सुबह सुबह, ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी है और बहुत अच्छा लग रहा है। रेड बत्ती हो रखी है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जा कर के आपको वहाँ से एक व्यू दिखाऊँ। बट मैं उससे पहले ये सिग्नल है अपना इंडिया का, और सुबह सुबह मन नहीं करा कि हेलमेट पहनूं, मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन रोड पे नहीं जाना है। मैं इधर ही कॉलोनी में घूम के निकल जाऊँगा। मैं तो सिग्नल तब आपको दिखाने के लिए ले आया था। यहाँ पास ही एक गार्डन है लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि वहाँ जाने के लिए मुझे हेलमेट चाहिए और मैं उस साइड अभी जाना नहीं चाह रहा। सुबह का समय है और मैं अभी आ गया हूँ अपने घर के पास वाले सिग्नल पे और यहाँ पे आपको जो है मेट्रो वगैरह पास में है, सब कुछ पास में है। मेन रोड है, बस डिपो है वहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ता है। अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने ताला लॉक कर रखा है क्योंकि ये अभी यूज़ में नहीं आ रहा है। ये सीढ़ी अभी यूज़ में नहीं आ रहा जिस वजह से इसको बंद कर रखा है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता। वैसे भी मैं दिखा दूँगा मुझे स्टिक चेंज करना पड़ेगा।
मैं आया हुआ था, मैं सोचा कि चलो यार सुबह सुबह जा करके देखे, बहुत टाइम हो गया मैं घूमा नहीं हूँ। ये देखिए अभी रोड कितनी खाली है और ट्रैफिक सिग्नल के भी मतलब रूल्स को फॉलो करे जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं, किसी ने कहा है कि किसी देश की तरक्की अगर आपको देखना है तो वहाँ के सिग्नल को आप देखो थोड़ी देर खड़े होके, और उससे पता चलता है कि वहाँ के पीपल का इस देश में की करप्शन में कितना हाथ है, देश को आगे बढ़ाने में कितना हाथ है और कितना पीछे ले जाने में। तो बस मैं बुराई नहीं कर रहा अपने देश की, बट है बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर कमियां हैं जो कि हमें ठीक करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन की कंट्री को, पश्चिमी कंट्री को हम देख करके उसको हर चीज़ को तो हम फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें क्यों ना फॉलो करें, तो वही चीज़ है। मज़ा आ गया, मुझे तो घूम के बहुत मज़ा आया है यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने जो है घर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सोचा अपना मास्क वेयर कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ऊपर जो था अकेले था, अब मैं नीचे आ गया हूँ तो यहाँ मतलब पब्लिक है। सुबह सुबह निकलने का यह नहीं मतलब होता है कि आप मास्क वगैरह निकाल के घूमो, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी है बहुत, अब तो ज़्यादा केस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से और भी हमें ज़्यादा केयर करना चाहिए अपने आप को और आनंद लेना चाहिए जीवन का, क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर और क्या करा जाए, सुबह का टाइम तो बीत गया और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ धूप निकल चुकी है बढ़िया वाली, कभी ऐसी वैसी नहीं, बढ़िया वाली धूप निकल गई है और मौसम भी साफ है, वेदर भी अच्छा है और घूमने का आज मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद। और लोग साइकिल वाइकल लेकर के आ रहे हैं, सारे इंजॉयमेंट सुबह सुबह को मतलब बॉयज एंड गर्ल्स सब एकदम खुल के घूमते हैं काफ़ी मजा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको रोड का व्यू और अच्छा सूट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी अच्छा सूट हो जाए। मैं तो ऐसे निकला हुआ था मॉर्निंग के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दिया जाए सुबह का कैसा है नज़ारा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक और लंबी राइड ले ली जाए, क्योंकि अभी जो है मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में और ना ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत और रोड भी खाली है पूरा, तो अच्छा लग रहा है। लोग देख लो दौड़ रहे हैं काफ़ी मज़े में, घूम रहे हैं, मिट्टी के घड़ों की दुकानें हैं, मूर्तियाँ वगैरह मिलती है, इतना आगे तक आने का एक ही रीज़न है मेरा कि मुझे यहाँ पे आना था। मुझे साईं बाबा मंदिर आना था जो कि अभी बंद है और खुल गया नहीं अभी बंद है।
तो मैं अभी आ गया हूँ साईं बाबा मंदिर में, और ये है मंदिर का बाहर का दृश्य। तो मैं अब कभी मतलब आऊँगा फ्रेश होके उस टाइम पे, तो फिर मैं आपको अंदर का दिखाऊँगा मंदिर का। तो इस समय जो है सो मंदिर बंद है, और इनका टाइमिंग है कि सुबह के 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, और 6:30 बजे से इवनिंग में आपको रात के 8:15 बजे तक खुलती है। और ये मंदिर है सिग्नल के पास ही है, खुरेजी के पास है मंदिर। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह आप लोग भी उठो, घूमो फिरो, जॉगिंग वॉगिंग करो। यहाँ पे आपको हम जो बचपन में वो मनी के लिए हम सिक्के वगैरह रखने के लिए बचपन में जो हमें कॉइन मिलते थे, तो वो चिल्लर जो मिलते थे उसको हम इसमें जमा करते थे। तो वो सारे बचपन की यादें भी ये देखने को मुझे मिल गई। घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में यूट्यूबर बनना मतलब अजीब सा मतलब वो देखते हैं नज़रों से कि ये कैमरा लेकर के कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। तो कैमरा में बात करना काफ़ी मतलब पब्लिकली हर किसी के उसमें नहीं आता। आप तो खैर मेरे को वो नहीं, पहले स्टार्टिंग में एजिटेशन काफ़ी होता था, अब तो खैर नहीं। चाय ब्रेड की खुशबू आ रही थी। ये है गुरुद्वारा जो कि अभी काफ़ी चीज़ें बननी है और बन भी रही है। और ये तकरीबन एक डेढ़ साल के अंदर जो है अच्छा खासा बन गया है ऊपर तक, और अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पीछे, इसी के पीछे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, तो यहाँ मैं रहता हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ बिल्डिंग के छत पे, रूफ पे। ओह क्या सूर्य देवता ने वेलकम करा है। जब मैं उठा था तो उस टाइम में कुछ भी नहीं था, सब सोए हुए थे, अंधेरा था। और अभी सब जान गए, नजारे ही कुछ हो रहे। मजा आ गया, मजा आ गया।